आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, वीकली कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। अगर एग्री कमोडिटी की बात करें तो एग्री कमोडिटी के अंदर पिछले हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि ईयर एंड के क्लोजिंग के चलते भी हमने काफी कमोडिटीज के अंदर एक बड़ा उतार चढ़ाव होते हुए देखा है। बट हम पूरे अगर बाजार की बात करें तो खाली कॉटन सीड ऑयल की एक ऐसी कमोडिटी है जिनमें हमने 2.5% के आसपास की गिरावट देखी। उसके अलावा सभी कमोडिटी में हमने जबरदस्त तेजी बनती हुई देखी। आप देख सकते हैं सारी कमोडिटीज के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है। अब मे बी पॉसिबल है कि ईयर एंड के चलते ये एडजस्टमेंट थे जिसकी वजह से प्राइसेस में तेजी है, क्योंकि फंडामेंटल नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, बट एकाएक एक ही हफ्ते में इतनी बड़ी तेजी आना थोड़ा डाइजेस्टेड नहीं है। नो डाउट कोरोना का कंसर्न कम हुआ है, महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, यहाँ पे मास्क रेस्ट्रिक्शन भी हट गए हैं, तो ये डिमांड को इम्प्रूव करेगा। बट इतनी भी ज्यादा कोई ऐसा लग नहीं रहा कि डिमांड इम्प्रूव हो जाए, और भाव में हमने जो तेजी देखी वो काफी गजब की तेजी देखी। सबसे पहले कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में हमने देखा एरिया अंडर कल्टीवेशन में जो ड्रॉप है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट दे रहा था। पूरे हफ्ते में हमने देखा कि 7150 का लेवल जैसा बताया था वो छूने के बाद प्राइसेस ऊपर में 7550 तक का भी लेवल दिखाया। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल भी मजबूत है, शॉर्ट कवरिंग भी है, बट RSI 73 के करीब है जो दिखाता है कि प्राइसेस फिर से 7250-7300 के करीब मिले लेके चलिए 7550 से 7600-7600 के टारगेट मिल जाएंगे। वहीं मसालों की अगर बात करें तो ये हफ्ते के अंदर मसालों में जबरदस्त गिरावट के बाद जबरदस्त तेजी आई, जहां पे हल्दी में हमने देखा कि प्राइस 8620 तक का लेवल दिखाता था। वहीं अगर जीरे की बात करें तो 21100 का लेवल छुआ, और वहीं धनिया में 10690 पे काफी सुस्त रेंज में ट्रेड कर रहे थे। बट एकाएक हमने पूरे मसालों में जबरदस्त तेजी आते हुए देखी, जहाँ पे हल्दी में 4.5% की तेजी, जीरे के अंदर 3.5% की तेजी, और धनिया सबसे जबरदस्त तेजी के साथ 8.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया 11800 के करीब। फंडामेंटल के साथ देखे तो हम जीरे में, धनिया में और टर्मरिक में एक्सपोर्ट डिमांड का एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर रहा है, तो आई थिंक हमारा व्यू न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि तेजी तो आई है बट फंडामेंटल कहीं पे भी इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। नो डाउट लॉकडाउन हट गए हैं सब जगह से, रेस्ट्रिक्शन हट गए, बट अभी भी चाइना में जिस ढंग से लॉकडाउन लग रहा है ये कंसर्निंग है इंडिया के लिए भी। पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि चाइना में कुछ भी होता है उसके 1.5-2 महीने बाद इंडिया में इम्पैक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे मसाले से दूर रहना काफी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है आप 20-25% पोजिशन रखिए, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में 12,500 का लेवल धनिया में, हल्दी में, वहीं जीरा 25,000, धनिया 18,000 दिखा दे, बट ये लेवल आज के भाव के हिसाब से बहुत महंगे है, नहीं लेना चाहिए, तो वेट करना चाहिए। वहीं गवार कॉम्प्लेक्स में हमने पिछले हफ्ते कहा था कि जबरदस्त तेजी बनेगी और ऐसा ही कुछ हुआ। गवार में हमने 8% की तेजी और गवार गम में 12.5% की तेजी देखी। यहाँ पे आप पैसा बनाइए, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम देखें, पूरे एग्री कॉम्प्लेक्स की बात करें तो गवार सीड, गवार गम सबसे ज्यादा तेजी दिखा रहे हैं। हमें लगता है थोड़ा भी पुलबैक मिले लेके चलिए 6450 के करीब का, जो 6850 का लेवल गवार आपको अगले हफ्ते में दिखा देगा। गवार गम 15,000 तक का लेवल ओवरऑल महीने भर में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनता में भी हमने देखा कि फार्मर्स इस बार स्विंग कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। 1100 के ऊपर प्राइसेस जाता हुआ दिखाई दिया, जो 1120-30 तक का लेवल आराम से दिखा सकता है, मेहनता भी लेके चल सकते हैं। एंड अंत में अगर हम कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें, जहां कॉटन में इनिशियल गिरावट के बाद मार्केट रिकवर जरूर करता गया और 43,000 का लेवल भी तोड़ दिया, बट कहीं ना कहीं सोइंग और मानसून काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे, तो डिसीजन इस बार थोड़ा सा समझकर संभल के लेना, कि कॉटन की RSI 83 पे जो बताता है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट 40,000 का लेवल ब्रीच नहीं होता तो हमें लगता है 45,000 पहले आना चाहिए, फिर टूटना चाहिए। कॉटन सीड ऑयल केक में भी मूवमेंट काफी बड़ा रहा, जो 3145 से 3345 के बीच में मूव किया। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाइए, जब तक 3100 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, 3220 का लेवल तोड़ने पे 3300-3400 का लेवल भी देखने मिल जाएगा। कपास की भी बात करें तो प्राइजेस फ्लैटिश के साथ ट्रेड किया है, 2140-50 के करीब लेके चलिए, जो 2240-50 का लेवल दिखा देगा। ओवरऑल आपको 3-4 कमोडिटीज ऐसी है जिस पे ध्यान रखिए, जीरा और धनिया जहाँ पे RSI 77-80 के करीब पहुंच चुकी है, कॉटन है जहाँ पे पहुंच चुका है, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत पुलबैक देख सकते हैं, बट पुलबैक पे लेके चलिए। सबसे बेस्ट कमोडिटी जो रहेगी अगले हफ्ते के लिए वो गवार सीड और गवार गम रहनी चाहिए।
टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।